हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये आज बैंगन आलू बना रही हूँ मैं। अब इसमें बघार लगाऊंगी मेथी, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेजपत्ता, ये फिर मैं प्याज डालूंगी। ये मैंने थोड़ी कुटी हरी मिर्च और प्याज डाल दिया। देखिए ये प्याज ब्राउन होने पे आ गई। ये अब मैं इसमें ये बैंगन डालूंगी। बैंगन डाल दिए मैंने, ये नमक, हल्दी, धनिया कुटा हुआ। ये डाल के अब मैं चलाऊंगी इसको 2-3 मिनट। फिर इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्च डालूंगी। ये देखिए हरी मिर्च और टमाटर इसमें मैं डाल देंगे। एक बड़ी इलायची है, मैंने लाल मिर्चें पिसी भी नहीं डाली है। इसको सिर्फ हरी मिर्चों से सब्जी बना रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है हरी मिर्चों से। देखिए ये बैंगन मुलायम पड़ गए। अब ये थोड़ा देर हमने इसको रखा था, ऐसे चलाया, मुलायम होगा। अब मुलायम के बाद हम इसको आलू डालेंगे। हमने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। हम कोई भी सब्जी बनाते हैं पानी नहीं मिलाते हैं। हमने आपको ये दिखाया शुरू से अब तक। अभी सिर्फ हमने ऐसे डाल दिया। और ये डालने के बाद ये देखिए हरा धनिया पुदीना है, ये हम ऊपर से इसको देखिए डालेंगे। और 10 मिनट तक सिर्फ हल्की आग पे ऐसे ही रखेंगे हम। 10 मिनट के बाद आप खोलिएगा, बहुत बेहतरीन सब्जी बनेगी। चावल के साथ, रोटी के साथ आप खाइए इसको। ये इन दिनों में बहुत अच्छी लगती है बरसात में। थैंक यू।